अच्छा भाई, आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? भाई हम सब आप लोगों से मिलने के लिए खास तौर पे कराची से आए, इंडिगो टेक्सटाइल के साथ आए, और हम सब ग्रीन अल्फा की तरफ से आए हैं, और इंडिगो टेक्सटाइल हमें साथ लेके आई है। और यहाँ पे हमारा आने का एक मकसद है जिसको हम सब ने शायद सुना भी है और बाहर पोस्टर पे भी लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, सस्टेनेबिलिटी। किसी ने देखा वो बार? तो भाई उसमें एक चीज है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पायदारी। किसी ने ये लव सुना है भाई? नहीं सुना? अभी सुनाया तो है मैंने सबको। हर चीज के अंदर पायदारी होनी चाहिए, जो भी काम करें हम उसके अंदर क्या होनी चाहिए? पायदारी होनी चाहिए। अब मैं हम लोग जब कल यहाँ पे रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह पे पेट्रोल पंप पे एक आदमी जो है ना, एक जगह मस्जिद कोई उसका ना बाहर का हिस्सा धो रहा था, और जब उसने धो दिया तो उसने सारा पानी बाहर बहा दिया। इसमें कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। फिर उसने देखा कि अरे बाहर ना जो जगह उसने धोई थी उसके बाहर पौधे थे, फिर वो अलग से पानी देने लगा पौधों। अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या किया? फर्श धोया, और फर्श धोने के बाद उसने पानी सड़क पे बहा दिया। अब अगर ये वाला पानी जो उसने सड़क पे बहाया था, वो वाला पानी किसी रास्ता बना के वही पानी वो पौधों को दे देता तो पौधों को कोई फर्क पड़ता? पौधे तो को क्या चाहिए? पानी। अगर उसने फर्श धोया था, फर्श उसने इस वजह से धोया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, और उसके बाद वो पानी उसने सड़क पे फेंक दिया। अब इसके इस ये जो उसने काम किया, इसकी वजह से उसने वो काम सस्टेनेबल नहीं किया। सस्टेनेबल काम क्या होता? सस्टेनेबल काम ये होता कि वही पानी पहले धुलाई के लिए इस्तेमाल हो जाता और वही पानी उसके बाद पौधों में डाल दिया जाता। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी कोशिश। क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी कोशिश। कोशिश कहाँ से शुरू होगी? सोचने से। जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हम ये पायदार, पायदार का मतलब क्या बताया अभी मैंने? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। भाई भाई हर चीज़ को सॉल्यूशन, हर एक को सॉल्यूशंस चाहिए ना। गर्मी हो रही है, आज एक बच्ची ने बताया था यहाँ पर, किसी को याद है क्या बताया था? सुबह बच्ची ने बताया था गर्मी का हल, हीट स्ट्रोक का, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब वो पानी इस्तेमाल करने, अगर आप पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? गर्मी होगी, गर्मी के वजह से आप बीमार हो जाएंगे, बीमार होने की वजह से आप स्कूल नहीं आएंगे, आपके उस दिन की पढ़ाई रह जाएगी, और आप बीमार होंगे तो अम्मी अब्बू के पैसे भी लग जाएंगे। तो फिर मसला किससे हल हो रहा है? एक पायदार सोल्यूशन देने से। वो क्या है? सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है? पानी का इस्तेमाल। पी सकती हो पानी? नहीं पी सकती, या कोई पकड़ के बुलाएगा? इसी तरीके से हम एक और कराची में एक स्कूल में गए, वहाँ पे हमने बच्चों से यही बात की। उनका जब हमारा पहला सेशन हुआ तो हमने बच्चों को समझाया कि भाई हमें दुनिया का ख्याल रखना है, ऐसे काम करने जिससे सस्टेनेबिलिटी हो। अगले दिन जब अगले दिन हम सेशन के लिए गए तो तीन बच्चे आए मेरे पास, एक इस साइज़ की होगी, एक इस साइज़ की होगी, उस साइज़ का बच्चा होगा। उन्होंने कहा सर हमने सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। अब आप सोचो उन्होंने इन्होंने क्या शुरू किया होगा सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट? कोई सोच बताओ। छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है? उनको पता चला कि भाई दुनिया में भूख का ख्याल रखना है, भूखे लोगों का ख्याल रखना है, सबने अपनी जेब खर्च से 5-5 रुपये जमा कर लिए। 5-5 रुपये जमा करके उन्होंने खरीदा दूध, किसके लिए? नहीं, बिल्ली के लिए। बिल्ली भी तो दुनिया में रहती है, बिल्ली जानवर इंसान हर एक का ख्याल रखना है ना। अदर्स, एवरीवन हु इज एग्जिस्टिंग ऑन द मदर अर्थ, सो दैट्स व्हाई दे वर फीडिंग अ कैट और एनी अदर, और उसके अलावा ऐसा कोई दूसरा जानवर, और जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे? अपनी सतह पर जाकर जो हम कर सकते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि आप सोलर पैनल लगाने लग जाए, वो तो लगा दिया इंडिगो ने यहाँ पर। आपने क्या करना है? आपने अपनी सतह पर रह के क्या करना है? यहाँ पे कोई ऐसा काम सोचना है जिसकी वजह से आप दुनिया को बेहतर बना सकें, सस्टेनेबिलिटी।